और आज इस आदिवासी दिवस पर विशेषकर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए, जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। आज हम अपने इस जनजातीय समूह के मंच से आपको संबोधन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि मेरी पहचान भी एक आदिवासी के रूप में ही हमारी पहचान है और यही मेरी सच्चाई भी है। आज हम लोग समाज के पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और ये काफी उत्साह का भी हमारे लिए विषय है कि आज इतने अल्प समय में और इस राज्य के सबसे प्रमुख जनजातीय समाज के प्रति एक महोत्सव, आज का जो आदिवासी दिवस को एक महोत्सव के रूप में हम लोगों ने लिया है और कार्यक्रम आयोजित किया है, और आप कल से देख रहे हैं दो तीन दिनों से कि यहां पर मौसम बारिश का हुआ पड़ा है और कल जब मैं रात को इस तैयारी को देखने यहां आया था तो आज के बारे में मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम पता नहीं सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम भी थोड़ा हमें साथ देने को तैयार हुआ है और मैं ये समझता हूं कि अगर सोच नेक हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है और आज बारिश भी हल्की रुकी हुई है और ये भव्य कार्यक्रम को भी अब हम लोग सफल बनाने में लगे हैं।
आज ये जनजातीय महोत्सव पहली बार हम लोग राज्य में आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आज आदिवासी समक्ष के समक्ष अपनी पहचान को लेकर कई संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा संस्कृति के कारण हम आदिवासी हमें माना गया है उसकी विविधता को आज के नीति निर्धार निर्माता थोड़ा मानने से संकोच कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान जो हमें प्राप्त है वो बस एक चर्चा का विषय मात्र है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के नए अवतार से इन सभी चीजों को खतरा है। आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं? विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है, मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा। धन बल होता तो जैन पारसी समुदाय जैसे अपनी संस्कृति को हम बचा पाते, ऐसे में विविधता से भरे हुए समूह पर विशेष ध्यान देने की हमें जरूरत है। जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, लेकिन आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। आदिवासी बचाओ, जंगल भी बच जाएगा, जानवर भी बचेंगे। सबकी नजर हमारी जमीनों पर है। हमारी जमीन पर ही अनेकों प्रकार के खनिज संपदाएं हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो। खनिज संपदा तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना कोई फैक्ट्री है, ना पेड़ जंगल काटने के लिए आरा मशीन है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास ही होते हैं। कुछ लोग तो आदिवासी सबसे भी चिढ़ने लगते हैं, वो हमें आदिवासी नहीं वनवासी कहकर पुकारना चाहते हैं। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदनाएं जगाई जाए। जरूरत है आम जन के अंदर आदिवासी समाज के प्रति सम्मान एवं सहयोग का भावना पैदा करने का। आदिवासी कौम एक स्वाभिमान कौम है, मेहनत करके खाने वाला कौम है। ये किसी से भीख नहीं मांगता। हम भगवान बिरसा मुंडा, एकलव्य, राणा पूंजा के कौम है, जिन्हें कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा भी नहीं सकता। हम उस कौम के लोग हैं जो गुरु के तस्वीर से हुनर सीख लेते हैं। हम सपने, हम सामने से वार करने वाले लोग हैं, सीने पर वार झेलने वाले लोग हैं। हम इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पूर्वज ने जंगल बचाया, जानवर बचाया, पहाड़ बचाया। हाँ, आज यह समाज सोचने के लिए मजबूर है कि जिस जंगल जमीन की उसने रक्षा की, आज उसे छीनने की बहुत तेजी से प्रयास की जा रही है। आज देश का आदिवासी समाज बिखरा हुआ है। हमें जाति धर्म के आधार पर बांटकर बताया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति एक है,
खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमें अपने 200-250 वर्ष पूर्व के इतिहास को याद करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि आज जो भी हमारे पास है वो हमारे शहीदों की देन है। बिरसा मुंडा, भीम नायक, काटा भील, सिद्धू कानू, सभी महापुरुषों ने आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दिए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने क्या कहा था, उन्होंने जल जंगल जमीन पर अधिकार की बात की थी, अबुआ राज की बात की थी, गांव की सरकार की बात की थी। दिक्कत है कि हम अपने आदर्शों के बारे में जानते ही नहीं, हमारी नई पीढ़ी को इसके बारे में सोचना होगा। आप एक संथाली युवक से पूछें राणा पुंजा कौन है तो वो बोलेगा राणा पुंजा के बारे में सोचने लगेगा ये कौन है। वैसे ही आप एक भील युवक से पूछेंगे बुद्धू भगत कौन है तो वो भी सोचने लगेगा कि ये बुद्धू भगत कौन है, और उत्तर भी नहीं दे पाएगा। सच्चाई है कि देश का आदिवासी समाज एक होकर सोच ही नहीं रहा है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जातिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। आपस में हमें हमेशा मिलकर रहना, यह हमने सबों को बताया है। कितना व्यापक है आदिवासी विचारधारा, इसे सिर्फ आप हमारे अभिवादन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से जान सकते हैं। जोहार बोलकर हम संस्कृति की जय बोल रहे हैं, सभी की जय की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी लोग आदिवासी गैर आदिवासी अभिवादन के लिए जोहार शब्दों का प्रयोग करें। आदिवासी समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट की है, उपलब्धता की रहती है, तथा हम अपने आदिवासी लोगों को साहूकारों महाजनों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मिशन मोड में कार्यक्रम चलाकर हम किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए राशि उपलब्ध करवाने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आने वाले हैं। मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने लोगों को समझता हूं। मुझे पता है बैंक से लोन लेना, प्राप्त करना मेरे युवक साथियों के लिए कितना कठिनाईपूर्ण रहता है। बैंक की स्थिति तो यह है कि हेमंत सोरेन भी लोन लेने जाए तो उसे पहली दफा नकार भी देते हैं, कहेंगे कि आपका जमीन CNT SPT के अंतर्गत आता है। हमारे युवक हुनरमंद होते हुए भी मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। गाड़ी चलाने आता है पर चूंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वो सिर्फ ड्राइवर बनकर के रह जाता है। गाना गाने आता है पर उसके पास रिकॉर्डिंग करने या करवाने के लिए पैसा नहीं है। बाल काटने आता है पर अपना सैलून नहीं खोल पाता। वेल्डिंग करने आता है पर अपना वर्कशॉप नहीं खोल पाता। हमने स्थिति बदलने की ठानी है। अब गाड़ी चलाने वाला गाड़ी का मालिक भी बन सकता है, और कोई भी व्यवसाय करना चाहे वो अपने मालिक के रूप में वहां रह करके कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है। मेरा सोच साफ है, समाज का विकास करना है तो नौकरी देने वाले लोगों को खड़ा करना होगा, अपने लोगों को आगे लाना होगा। अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो झारखंड के लोग भी आगे बढ़ेंगे, और इसी कारण से आज मैं कहता हूं कि मैंने जिस भरोसे से इस योजना को लागू किया है उसे सफलता आपके हाथ में है। आप आज छोटा व्यापार प्रारंभ किए हैं, आगे आपको अपनी मेहनत से इसे बड़ा करना है। आप अच्छा करेंगे तो आसपास वाले 4-5 और युवक युवती भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं यहीं पर रुकने वाला नहीं हूं। नए साथियों को व्यापार के गुण सिखाने
का भी व्यवस्था कर रहा हूं, लोन की उपलब्धता उपलब्ध करवाएंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी सरकार मदद करेगी। आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम भाषा के शिक्षक बहाल करने वाले हैं। झारखंड के युवकों को विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेकर पहला बैच के छात्र छात्राएं आज ब्रिटेन की संस्थाओं में अध्ययनरत है। पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं इस मंच से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे देश में इस दिन 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। वन अधिकार के जो पट्टे खारिज किए गए हैं, हम फिर से इसको रिन्यू करके जो भी लंबित है उसे 3 महीने के अंदर पूरा करेंगे। और कई ऐसी चीजें हैं। आइए, आज हमारी ये शुरुआत इस राज्य से जनजातीय महोत्सव के माध्यम से एक संदेश के रूप में। हम लोग कई चीजों को रखना चाहते हैं। महाजनों की महंगाई ब्याज पर लिया गया कर्ज अब आपको वापस नहीं करना होगा। इसका शिकायत मिलने पर महाजन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कानूनों को भी हम लोग बनाने की तैयारी में हैं। आदिवासी परिवार में किसी की भी शादी के अवसर पर मृत्यु होने पर 100 किलोग्राम चावल, 10 किलो दाल दिया जाएगा। इससे सामूहिक भोज के लिए अब उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही मेरी अपील होगी कि सामूहिक भोज करने के लिए कर्ज लेने से बचें और कर्ज लेने भी हो तो आप बैंक से लें। हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से आदिवासी भाषा संस्कृति लोक कल्याण शोध संबंधित विषयों को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ उसकी विशिष्ट समस्याओं का समाधान को भी बल मिलेगा। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया। इन सबके बीच हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पुरखों द्वारा दी गई कुर्बानियां हम पर कर्ज है और यह कर्ज तभी उतरेगा जब निर्माण के पुनीत कार्य में हम सभी लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के अपने मायने हैं। झारखंड ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से के आदिवासी का भी जो प्यार मुझे मिलता है, जो उम्मीद मुझसे है, उससे मैं भली भांति परिचय हूं। आइए हम सब अपने एकजुटता एवं आगे बढ़ने का संकल्प को जय हिंद के नारे के साथ शक्ति दें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आदिम संस्कृति का प्रदेश है झारखंड।